Good morning, students. Good morning, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. Unacademy के YouTube channel Let's Crack UPSC CSE में आप सभी लोगों का special स्वागत है. आज के session में we are going to see crucial, relevant news from The Hindu, The Indian Express and Live Mint. Before proceeding ahead, let me know, students, if I am audible and visible so that we may proceed ahead. In today's session, yes, good morning, Jai Hind, Namaskar, कैसे हैं आप लोग? Let me know in the chat box. तो चलिए शुरू करते हैं session, बहुत ही मजेदार session. आज भी दो तीन editorials हैं, कुछ news है relevant, okay? Let's begin. This is Dr. Anurag, a passionate UPSC mentor and expert in the field. For the past one decade in offline mentoring, past 8 months in online mentoring upon the Unacademy platform. In UPSC, I have appeared twice for the personality test, 4 attempts, 4 mains, 2 bar personality test, 2007, I missed by 2 marks. The final selection, I was there in the reserve list of UPSC. I have also worked as assistant commissioner of sales tax in state services for 3 years before resigning from the service to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. जो मैं सफलतापूर्वक पिछले एक डिकेड से कर रहा हूँ. टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग अंडरस्कोर सिंह, जुड़ जाइए इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए. आई एम वेरी मच फाइन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन, बी सेफ स्टूडेंट्स. और चलिए देखते हैं आज का सेशन. मैं एडवाइस करूंगा, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सब्सक्राइब अपॉन द प्लस प्लेटफॉर्म टू गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस, द बेस्ट मॉक टेस्ट एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स अपॉन द प्लस प्लेटफॉर्म फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री. और मेरे भी 2 courses, एक पॉलिटी पे कोर्स और एक इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोर्स प्लस प्लेटफॉर्म पर है. अलॉन्ग विद दैट, मॉडर्न इंडिया एंड एनवायरनमेंट विल सून बी अपॉन द प्लस प्लेटफॉर्म इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. एंड यू कैन सी क्लासेस और मॉक टेस्ट के अलावा जिनको एक पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, एक पर्सनल कोच चाहिए, दे कैन गो फॉर पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, दैट इज द आइकॉनिक मेंटरशिप प्लान, जिसमें एक पर्सनल कोच असाइन किए जाएंगे. डेली मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली डाउट क्लैरिफिकेशन, टेस्ट एनालिसिस एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर यू आर गोइंग टू गेट इन द आइकॉनिक मेंटरशिप प्लान. ये देखिए प्लस और आइकॉनिक के प्लान, 1 year, 2 year, 3 year प्लान्स. यूज कोड, रेफरल कोड अनुराग टू गेट अ 10% ऑफ. ऑल्सो गेट माई नोट्स, बुकलेट्स एंड PDF फ्री ऑफ कॉस्ट. तो नोट्स बुकलेट्स मिल जाएंगे और PDF मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में. आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा नोट शेयरिंग के पर्पस से. और ये देखिए अभी 2 ऑफर्स चल रहे हैं. अप्रैल 28 के पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर मिल रहा है, 4 मंथ्स एक्स्ट्रा लगभग सब्सक्रिप्शन. यस, तो 12 मंथ्स की जगह पे 16 मंथ्स एंड 24 मंथ्स की जगह पे 27-28 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन. यूज कोड अनुराग टू अनलॉक एंड टेक सब्सक्रिप्शन. और ये देखिए अप्रैल 28 के पहले आप सब्सक्राइब करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट आल्सो 20 बुक्स क्रिएटेड बाय बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स वर्थ ₹10,000 फ्री विद 1 year सब्सक्रिप्शन एंड ऑनवर्ड्स. 10,000 रुपए की किताबें आपके घर पे चली जाएंगी. द बेस्ट बुक्स, शिपिंग ऑफ द फिजिकल बुक्स विल बी डन इन June 1st week. गुड मॉर्निंग. और ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा लोन की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है. डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है ये पूरा लिंक, दैट इफ यू हैव टू टेक लोन फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन यू कैन सी इट हियर. और ये देखिए फ्री टेस्ट सीरीज तो चली रही है, जितने MCQ सॉल्व कीजिएगा फॉर UPSC 2021 एस्पिरेंट्स, गो फॉर सॉल्विंग दिस फ्री टेस्ट सीरीज अपॉन द अनअकैडमी ऐप, राइज वर्ल्ड अफेयर्स एंड पाथ फाइंडर. यूज कोड अनुराग टू अनलॉक दिस टेस्ट सीरीज. And new batches are starting every Wednesday, 21st April, that is yesterday, ये नए batch start हुए हैं. अगले Wednesday को भी नए batch start होंगे plus platform पर. And lastly students, Unacademy Combat is India's biggest free scholarship test every Sunday at 11 AM. Join it. Use code Anurag to join the India's biggest free scholarship test. तो ये बताइए students, ready हैं? Let's begin today's session. और ये देखिए मेरा प्रोफाइल लिंक अनुराग IMS अपॉन द अनअकैडमी ऐप, सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए. डेली से 7 o'clock 7 बजे शाम को फिजिकल ज्योग्राफी के सेशन शुरू हुए हैं. यस,
फ्री सेशन हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जरूर से जुड़िएगा। एंड दोज पीपल हु आर फॉलोइंग इट, आई होप यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। लेट मी हैव अ ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट इट। 7 बजे शाम को फिजिकल ज्योग्राफी के सेशंस। आज सॉयल, सॉयल का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम लोग, अर्थ का क्रस्ट और सॉयल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस दिस क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन, कम अपॉन द अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग अंडरस्कोर सिंह, ये टेलीग्राम चैनल पर आइए और वहां पे मेरा मोबाइल नंबर पुटअप किया हुआ है, यू कैन रिंग मी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज देयर इन टुडेज 22nd अप्रैल डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस सेशन। डीकोड इंटरलिंक अप्रोच फॉर द मेंस एंड यस 360 डिग्री अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये बताइए एडिटोरियल से शुरू किया जाए या न्यूज से, लेट मी नो। तो लेट्स बिगिन, टेक आउट द एटलस स्टूडेंट्स, टेक आउट जीएस पेपर 1, 2, 3 मेन सिलेबस, यस, टेक आउट 2 नोटबुक्स एंड अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स 3-4 कलर के पेन तो बनते हैं। ठीक है, कम से कम अगर मैं आप मेरे फॉलोअर है, मेरे स्टूडेंट है, तो 3-4 कलर के पेन रखिए अपने पास खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखते समय। यस तो आज तो बहुत ही मिक्सर आ रहा है। ठीक है, एडिटोरियल न्यूज, कुछ लोग न्यूज चाह रहे हैं, कुछ लोग एडिटोरियल। तो टुडे ऑटोक्रेसी डे विल बी देयर, टुडे आई विल प्रोसीड विद द न्यूज ओनली। ओके, चलिए देखते हैं स्टूडेंट, शुरू करते हैं। पहला न्यूज आज का ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, चाइना, चाइना एंड चाइना इज इन न्यूज, यू कैन सी इट हियर, चाइना इज इन न्यूज। ठीक है भाई, मान लिए 3-4 न्यूज के बाद हम लोग एडिटोरियल पे शिफ्ट कर जाएंगे, डोंट वरी। श्रीलंका डिटेक्ट्स न्यूक्लियर मटेरियल ऑन चाइना बाउंड वेसल, न्यूक्लियर मटेरियल, नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये देखिए न्यूक्लियर मटेरियल, ये देखिए ऑन चाइना बाउंड वेसल, कहां पे, हंबन तोता सी पोर्ट, ये देखिए हंबन तोता सी पोर्ट, वहां पे चाइना, चाइना जाने वाले एक शिप के ऊपर रेडियो एक्टिव मटेरियल डिटेक्ट किया गया। नाउ दिस इज अ डेंजरस कार्गो एज पर श्रीलंकन लॉ एंड दिस शोज, ये देखिए द वेसल वॉज फाउंड टू बी कैरिंग यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड, यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये देखिए। तो क्या ये स्टूडेंट्स चिंता की बात है, आपने ऐसा इसमें चिंता ही कौन सी बात है। इंडियन ओशन, चाइना का इंटरवेंशन, दैट टू विद अ डेंजरस कार्गो, नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो सोच लीजिए दिस क्या कहते हैं, दिस शोज चाइना इज इंक्रीज्ड। अब देखिए इंडियन ओशन पे ही सब कोई आ रहा है अब। ठीक है, जैसे कि लग रहा है कि कॉमन एक एड्रेस का मीन्स एक चिट्ठी भेज दी गई है कि जिसको मन करे वो आ जाओ इंडियन ओशन में। तो उधर से यूरोपियन यूनियन डिसाइड किया, उधर से यूएस ने डिसाइड किया, चाइना कह रहा मैं तो यहीं पे रहूंगा। ठीक है, एंड दिस शोज वन थिंग दैट न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब होता है दैट अब ये किधर, कहां से निकला है, कहां जा रहा है एंड क्या इस पे प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में क्या इसे ले जाया जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करते हैं। ये देखिए, और यही वजह स्टूडेंट्स दैट इस न्यूज को आपको लिंक करना पड़ेगा, चाइना इन इंडियन ओशन। अगर सवाल आ गया यस चाइना इन इंडियन ओशन, डज इट शो चाइनीज इंक्रीज्ड प्रेजेंस, टेल मी मेंस में, अगर इफ एनी क्वेश्चन कम्स ओवर चाइनाज, चाइनाज इंटरवेंशन इन इंडियन ओशन इंक्रीज प्रेजेंस, जरूर से इस एग्जाम्पल को दिखाइएगा, हंबन तोता सी पोर्ट के ऊपर एक शिप कैरिंग यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। और ये देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, आई फॉरगॉट टू पुट द यस मैप, यहां देखिए मैंने पुटअप किया हंबन तोता, ये देखिए, देख रहे हैं ये हंबन तोता का लोकेशन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन, यानी मेजर सी रूट्स जो जा रही है इंडियन ओशन में, ये देखिए ईस्ट टू वेस्ट, ये हंबन तोता एक बहुत मेजर सी पोर्ट है, डू यू एग्री, देखिए एटलस में मार्क कर लीजिएगा। नहीं, इंडिया के खिलाफ नहीं, देखिए इंडिया के अगेंस्ट की बात नहीं है, अगर अगर कहीं पे न्यूक्लियर कार्गो पाया जा रहा है, ठीक है, और उस कंट्री को भी नहीं पता है, सोचिए श्रीलंका को, श्रीलंका फाउंड इट, चिंता की बात ये है, इफ इट वाज डिक्लेयर्ड देन कोई दिक्कत नहीं है, श्रीलंका को मिला वो, ठीक है, इसका मतलब है अगर नहीं खोजता श्रीलंका या नहीं चेकिंग होती तो नहीं मिलता। नाउ दिस शोज समथिंग दैट ओके मींस, ये वही बात हो गई कि
किसी व्हीकल में, क्या कहते हैं, किसी दिस यू कैन इमेजिन इट्स नथिंग लेस देन अ बॉम्ब अपॉन अ शिप, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये देखिए देखिए, खुद चाइना, श्रीलंका ने डिटेक्ट किया है न्यूक्लियर मटेरियल। ये देखिए, शिपिंग फर्म डिडंट ऑब्टेन प्रायर नॉट फॉर डेंजरस कार्गो। ये देखिए, प्रायर नॉट, परमिशन नहीं लिया था इसने। ये देखिए, और साफ साफ ये हम्बन तोता सी पोर्ट, ध्यान दीजिएगा, हम्बन तोता सी पोर्ट का अच्छा खासा पोर्शन चाइना ने डेवलप किया हुआ है। अच्छा खासा पोर्शन चाइना हैज डेवलप्ड इट। नाउ दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। चाइना ने डेवलप किया है हम्बन तोता सी पोर्ट को। यस, ये वही जगह जिसको लीज पे ले लिया है चाइना ने, एग्री कर रहे हैं, जिसका अच्छा खासा पोर्शन लीज, ऑल बिकॉज ऑफ 99 ईयर्स लीज, ऑल बिकॉज ऑफ डेट पॉलिसी ऑफ चाइना, ठीक है। तो दिस इज इट, ठीक है। तो ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ इस जगह पे, ये देखिए, दिस कंप्लीट डिटेल्स यहां दिए हुए इस जगह पे, ठीक है। तो यहां से बस इतना ही काफी। और हम्बन तोता सी पोर्ट का लोकेशन जरूर से नोट कीजिएगा, हम्बन तोता सी पोर्ट। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? लोकेशन सदर्न ईस्टर्न बेल्ट में, श्रीलंका में, ठीक है। यस यस, देखिए हेल्प मिला होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं दैट इट्स नॉट अबाउट कैसे मिला ये, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि क्यों था ये न्यूक्लियर मटेरियल वहां पे उस जगह पे बिना प्रायर नॉट के। नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस आउट हियर। और सेकेंड न्यूज, इंडोनेशिया का सबमरीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज पे गया था, वेंट मिसिंग, 53 ऑन बोर्ड, यू कैन सी इट हियर। इंडोनेशिया का सबमरीन, ओके, सबमरीन ओशन के अंदर ट्रेनिंग पे गया था, यस, एक्सरसाइज पे गया था, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, 53 ऑन बोर्ड, मिसिंग, कहां पे? बाली आइलैंड। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, बाली आइलैंड के पास, यहां देखिए, जस्ट बाली आइलैंड के पास, यहां पे, इस जगह पे, ये जावा आइलैंड आपने मार्क किया हुआ है, टेल मी स्टूडेंट्स, जावा आइलैंड के जस्ट बगल में बाली आइलैंड है, पता है, और वहां पे ये मिसिंग हो गया। और ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज लास्ट में कुछ बता रहा है यहां पे, अगेन चाइना, द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्चीपेलागो। क्या मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को मैपिंग में? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्चीपेलागो ऑफ मोर देन 17,000 आइलैंड्स हैज फेस्ड ग्रोइंग चैलेंजेस। अभी नहीं खोजा गया है वापस, ठीक है, इट हैज वेंट मिसिंग, इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडोनेशिया, ठीक है, हैज फेस्ड ग्रोइंग चैलेंजेस टू इट्स मैरिटाइम क्लेम्स बाय चाइनीज वेसल्स। ये देखिए, चाइना के वेसल्स इसके आसपास आ रहे हैं अभी, एंड ये मैरिटाइम कंफ्लिक्ट बढ़ गया है ओशनिक एरियाज में। ये देखिए, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस जगह पे इंडोनेशिया की नेवी सर्च कर रही है उस सबमरीन को, और अभी तक नहीं मिला है। बाली आइलैंड जरूर से एटलस पे मार्क कीजिएगा, बाली आइलैंड, आर्चीपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ नेशन मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये देखिए ये देखिए, ये इंडोनेशिया, तो लोकेट किया आप लोगों ने स्टूडेंट्स, टेल मी, डिड यू लोकेट इट? Did you locate the complete this Bali Island कहां पे? जावा के बगल में। और जस्ट ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जस्ट इसके नॉर्थ में एक जगह है, नातुना आइलैंड्स। ये देखिए नातुना, ये देखिए यहां पे, ये बोर्नियो आइलैंड मार्क किया होगा आपने, उसके बगल में नातुना आइलैंड्स, जरूर से मार्क कीजिएगा नातुना आइलैंड्स। ये वही जगह है जहां पे चाइना क्लेम लगा रहा है। सोचिए सोचिए स्टूडेंट्स, चाइना, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ चाइना अपॉन द इंडो पैसिफिक। इमेज, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एग्रेशन, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू शो ऑफ दैट यस, इस रीजन में दिस क्या कहते हैं, चाइना का ये क्या कहते हैं, सुपर पावर नेचर रहेगा इस जगह पे। इट्स कमिंग इन दिस बेल्ट एंड क्लेमिंग द आइलैंड्स, यू कैन इमेजिन। तो ये क्या कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड है? यस बिल्कुल, यही तो पेपर में लिखा हुआ है, फाउल। देखिए अचानक से कैसे गायब हो गया, ठीक है, यही तो नहीं समझ में आ रहा। ये देखिए,
53 पीपल ऑन बोर्ड, और ये अब भी उसके बाद समझ लीजिए कि हंड्रेड्स ऑफ शिप्स भेजी गई हैं वहां पे चेक करने के लिए, लेकिन अब डीप सी फ्लोर बहुत नीचे होता है ना, ठीक है, बहुत नीचे मींस 4 किलोमीटर्स डीप। अब वहां सर्च करना अपने आप में एक इम्पॉसिबल सरकमस्टेंस। और ये 95 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ बाली डिसअपियर किया, इसका साफ साफ मतलब है जस्ट थोड़ा सा नॉर्दर्न रीजन्स में, यहां पे नातुना आइलैंड्स देखे, यहां पे आप देखिए इस मैप में देखिए लिखा हुआ नातुना आइलैंड्स, ये देखिए यहां पे, हैव अ लुक, दिस इज बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड और सुमात्रा के बीच में, देखिए बोर्नियो के जस्ट पास में, यहां देखिए ये देखिए ये तीन नातुना आइलैंड्स। सो यू कैन इमेजिन, यस पहले ये 9-line क्लेम कर रहे थे, अब ये 9-line के बॉर्डर पे भी क्लेम कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए जस्ट आउटसाइड बॉर्डर, ये देखिए यहां पे। ये आइलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर में स्प्रैटली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट, ये देखिए पैरासेल, स्प्रैटली, नातुना, ये सब हाइड्रोकार्बन का रिच बहुत रिच रिजॉर्ट है, हाइड्रोकार्बन का बहुत रिच रिसोर्स, ये देखिए ठीक है। यस यस ये पहला न्यूज है, ठीक है। सो आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। एनी क्वेश्चन कम्स ओवर इंडो पैसिफिक तो अभी चल ही रहा है भाई न्यूज में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने अभी एंट्री करने की बात कही है, ठीक है। अब एनी क्वेश्चन कम्स ओवर इंडो पैसिफिक, डोंट फॉरगेट इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में जो सो कॉल्ड पावर प्ले हो रहा है उसमें चाइना का शिप पाया गया, शिप नियर हम्बन तोता, ठीक है, फुल ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। एंड सेकेंड पॉइंट, नातुना आइलैंड्स एंड इंडोनेशिया चाइना कंफ्लिक्ट, ये देखिए 9-line क्या है, मैं बता रहा हूं आपको, 9-line इज द रीजन क्लेम्ड बाई चाइना इन साउथ चाइना सी, ठीक है, रीजन क्लेम्ड बाई चाइना इन साउथ चाइना सी। तो आज देखिए दो न्यूज हो गया इससे रिलेटेड, ये देखिए ये रीजन, देखिए 9-line, देखिए पहला डैश नंबर 1 चाइना, डैश का मतलब क्या होता है, डैश जैसे आप कॉपी में बनाते हैं, ठीक है, तो आप कॉपी पे बनाते हो, ठीक है, आप आंसर में लिखते हो डैश बनाते हो, ठीक है, चाइना मैप पे बनाता है, ठीक है। और ये देखिए सेकेंड, थर्ड डैश, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डैश का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस टेरिटरी नहीं, इसके बीच के एरिया को और एक्सपेंड कर सकता है चाइना, ये देखिए आगे चलकर देख रहे हैं आप, गेटिंग द पॉइंट। अब आप बोलिएगा कि सर ये चाइना क्यों क्लेम कर रहा है, अब चाइना जाने क्यों क्लेम कर रहा है, चाइना तो पूरे वर्ल्ड को क्लेम कर रहा है अभी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जहां मिल रहे हैं द सुपर पावर्स आर कमिंग इन टू प्ले, यस, चाइना इज नॉट हैप्पी विद द, ध्यान दीजिए, चाइना इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस रीजन, यू नो व्हाई, इस रीजन के साथ चाइना हैप्पी नहीं है, ठीक है, इस रीजन के साथ चाइना हैप्पी नहीं है, पता है क्यों, बिकॉज इस रीजन में सिंगापुर में यूएस का बेस है, सिंगापुर में चांगी में यूएस का बेस है, ठीक है, जहां पे इंडिया भी उसको शेयर कर रहा है उस बेस को, ये देखिए चांगी, आई हैड मार्क दिस इन द मैपिंग सेशंस ऑन द अनअकैडमी ऐप, ठीक है, ठीक है। एंड हैव अ लुक, ये दिक्कत ये है दैट सिंगापुर के पास से जो सी रूट है, ठीक है, उससे चाइना का लगभग 60% शिपमेंट जाता है, चाइना इज ऑल्सो वरिड कंट्री, ठीक है, कि यहाँ पे यूएस है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया भी है, ठीक है, और यहाँ से मेरे शिपमेंट्स आ रहे हैं 60%, उसको यहाँ पे अपना डोमिनेंस, वो ये ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट डोमिनेटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट, वो डरा हुआ है, एप्रीहेंसिव है, कल को किसी ने क्रूड ऑयल शिपमेंट्स रोक दिए तो उसका लाइफलाइन कट जाएगा यहाँ पे। यूएस की शिप्स हर जगह आती हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी कन्फ्लिक्ट होने वाला है आगे, आप देखिएगा जरूर से, यूएस की शिप्स परमानेंटली स्टेशन्ड है ताइवान के पास, ठीक है, इतना याद रखिए, एंड दे विल बी कमिंग अप वेरी सून इन दिस बेल्ट, ये सिंगापुर से ताइवान, ताइवान से सिंगापुर, और बीच में कुछ लड़ाई होगी, आप देखिएगा न्यूज 2 दिन के अंदर आएगा। तो
तो इस चीज को लोकेट कर, इस चीज को मार्क कर लीजिए। क्या फर्स्ट न्यूज क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? टेल मी, 22 अप्रैल का पहला न्यूज, दो न्यूज एक साथ क्लब किया गया मैंने, ठीक है? क्या क्लब किया? इंडो पैसिफिक एंड चाइना, टू न्यूज, एक हम्बन तोता और एक इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है? आइए देखते हैं सेकंड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया एट 142 रैंक ऑन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इट वाज इन द सेम प्लेस लास्ट ईयर टू। देखिए अब चाइना से आगे चलते हैं, ठीक है? चाइना की, चाइना को लेकर पता है नेवर एंडिंग टॉपिक है, बिकॉज उसका एग्रेशन कहीं कम नहीं हो रहा है, ठीक है? नहीं, मैपिंग में अभी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका रह गया है, आई विल बी कवरिंग इट। मैपिंग में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और चाइना रह गया है, ठीक है? भाई देखते हैं, इंडिया एट 142 रैंक ऑन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 प्रोड्यूस बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF शॉर्ट फॉर्म, इसका मींस रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स इसका फुल फॉर्म है, उसको इंग्लिश में अगर आप कीजिएगा तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है? तो रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स, ये फ्रेंच में कहते हैं इसको, फ्रंटियर मींस बॉर्डर, सैंस मींस विदाउट बॉर्डर, ठीक है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स इज अ ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, ठीक है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये देखिए ये फ्रेंच एनजीओ है, फ्रेंच नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ है, ठीक है? 180 कंट्रीज को रैंकिंग देता है, ठीक है? किस चीज में रैंकिंग देता है? प्रेस फ्रीडम में। प्रेस फ्रीडम क्या है हम लोग देखेंगे अभी, डोंट वरी, ठीक है? उसमें इंडिया को रैंक दिया है 142, लास्ट ईयर भी इंडिया का रैंक 142 था, ये देखिए, ठीक है? 2016 में इंडिया का रैंक 133 था, ये देखिए 2016 में। तो आइए देखते हैं, ठीक है? द RSF रिपोर्ट सेज इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट ट्राइंग टू डू देयर जॉब प्रॉपरली, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है? तो हैव अ लुक इसके बारे में, ये देखिए, ये द हिंदू का न्यूज था और ये द इंडियन एक्सप्रेस का, सेम न्यूज हैज कम अप, ठीक है? और ये देखिए यहां पे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से निकाल कर ये मैटर मैंने यहां पुटअप किया। यहां से सवाल निकल सकता है, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2002 ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रैंकिंग, ये देखिए पहली बार पब्लिश किया गया 2002 में, ठीक है? पब्लिश्ड एवरी ईयर सिंस 2002 बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज एन इंपॉर्टेंट एडवोकेसी टूल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एम्यूलेशन बिटवीन स्टेट्स, ठीक है? व्हाट डज इट मेजर, ध्यान दीजिएगा, व्हाट डज इट मेजर? द इंडेक्स रैंक्स 180 कंट्रीज एंड रीजन्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू जर्नलिस्ट, ओके, लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू जर्नलिस्ट। इट गिव्स रैंकिंग ऑन सिक्स पैरामीटर्स, और यहीं पे सवाल निकल सकता है। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है पैरामीटर्स, क्राइटेरिया। तो प्लीज राइट डाउन द क्राइटेरिया, बच्चा लोग क्राइटेरिया लिख लीजिए यहाँ पे। पहला प्लूरलिज्म, ये देखिए प्लूरलिज्म इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, यानी मीडिया में प्लूरलिटी, ठीक है? यानी इट शुड रिप्रेजेंट एवरी ग्रुप, एवरी सेक्शन, मींस इट शुड हैव मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, दैट्स इट, ठीक है? सेकंड पॉइंट, चलिए रैंक से आगे निकलते, ये देखिए यहां पे पुटअप कीजिए, ठीक है? देखिए स्टूडेंट्स, मीडिया को लेकर मैं बता दूं आपको दैट मीडिया बहुत ही एक फोर्थ पिलर है गवर्नेंस का, और मीडिया का जरा सा भी अगर जिसके कहते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड मीडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लगभग 3-4 ईयर से क्रिटिसिज्म बढ़ा हुआ है मीडिया का अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल बिकॉज दैट मीडिया अलाइंड हो जा रही है, ठीक है? मीडिया अलाइनमेंट इज बीइंग सीन अक्रॉस द वर्ल्ड, यू कैन सी इट अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह ये हो रहा है, इन इंडिया ऑल्सो दिस इज द केस, अलाइनमेंट ऑफ द मीडिया। मीडिया शुड बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिसाइजेशन, फ्रॉम एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, उसे अपना ओपिनियन इंडिपेंडेंस के साथ और कंप्लीट विदाउट एनी एप्रीहेंशन रखना चाहिए, गेटिंग द पॉइंट? लेकिन आज की तारीख में, ठीक है, प्लूरलिज्म का मतलब होता है व्यूज, ठीक है? व्यूज जैसे एक चीज पे, जैसे एक पॉलिसी आया, ठीक है,
उस पॉलिसी के ऊपर या कोई किसी ने कुछ अनाउंसमेंट किया, ठीक है ठीक है, वो रूलिंग पार्टी का हो सकता है, अपोजिशन पार्टी का हो सकता है, उसके ऊपर मल्टीपल व्यू शूट कम अप। ऐसा नहीं कि अलाइनमेंट कि नहीं मैं इधर जा रहा हूं मैं इधर जा रहा हूं, नहीं ठीक है, अच्छा ये गलत है ये सही, एकदम बिल्कुल दिमाग लगाकर, ठीक है। इसीलिए मीडिया का बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में अलाइनमेंट बहुत कॉमन हो गया है, अलाइनमेंट इज बीइंग सीन, और ये अलाइनमेंट बहुत हद तक देखा गया था इवन इन द कंट्री ऑफ यूएसए, ठीक है एंड ठीक है। तो ये देखिए अलाइनमेंट प्लुरलिज्म, ठीक है। सेकंड, इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, इंडिपेंडेंस, ये देखिए मीडिया इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये सेकंड पैरामीटर, ये देखिए ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये देखिए थर्ड पॉइंट, ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, अच्छा लॉज कैसे हैं, लॉज फ्रेमवर्क कैसा है मीडिया को ऑपरेट करने के लिए, क्या मीडिया को फुली ऑपरेट करने दिया जाता है या नहीं, क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ये देखिए, ये देखिए ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इसमें अच्छी खासी चीज तो इंडिया का रैंक, ध्यान दीजिए ट्रिपल डिजिट में रहा है हमेशा से, ठीक है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक बड़ा फोकस पॉइंट है दैट फ्रेमवर्क भी लैकिंग है। आप खुद बताइए क्या लॉज बहुत ही साइलेंट रहते हैं बहुत चीजों पे, और कहीं कहीं ज्यादा लॉज हैं कहीं कहीं कम लॉज है, मींस देयर इज अनइवननेस रिगार्डिंग द लॉज फॉर मीडिया, ठीक है। तो फ्रेमवर्क भी थोड़ा मिसिंग है, ठीक है, इंडिपेंडेंस भी मिसिंग है, एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इज ऑल्सो अ बिग बिग प्रॉब्लम। ये देखिए सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, ये देखिए ठीक है, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, ये देखिए क्लियर है। तो ये देखिए, ये यही देखिए, यही यहां पे देखिए, यही सेम चीज, ध्यान दीजिए क्राइटेरिया देखिए, यहां पे क्राइटेरिया यहां लिखा हुआ प्लुरलिज्म, ये देखिए प्लुरलिज्म इज द फर्स्ट क्राइटेरिया आपने लिखा, सेकंड क्राइटेरिया इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया मीडिया एनवायरमेंट, मीडिया एनवायरमेंट, मीडिया के अंदर कैसा एनवायरमेंट चल रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट सेल्फ सेंसरशिप, फोर्थ पॉइंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ये देखिए ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ये देखिए ठीक है। एंड सिक्स पॉइंट क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए कभी भी किसी भी रैंकिंग को लेकर ये मत देखिए कि रैंकिंग इतना दिया गया है इतना दिया गया, ठीक है, देखिए कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में, क्या ये बताइए क्या बहुत हद तक, इट्स नॉट ओनली अबाउट मीडियाज रोल, इट्स ऑल्सो अबाउट मीडिया का, मीडिया के रोल प्ले करने के लिए उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसा एनवायरमेंट में काम कर रहा है, उसको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या उसको न्यूज इकट्ठा करने के लिए मींस क्या कहते हैं जो भी टेक अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए यस, क्या उसके लिए अच्छे लॉज रहने चाहिए यस, और कितनी डेवलपिंग कंट्रीज इन दोनों चीजों में, इन दोनों पैरामीटर्स में बहुत पिछड़ जाती हैं, ये देखिए ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज। इसीलिए आप केवल एक पैरामीटर में मत तौलिए, ठीक है, दैट इंडिया का रैंक इतना पूरा क्यों दिया गया, सी द क्राइटेरिया। इसलिए मैंने कहा क्राइटेरिया, यूपीएससी यही सवाल पूछेगा, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो मैटर्स, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑल्सो मैटर्स, एंड ट्रांसपेरेंसी इन साइड द मीडिया, ट्रांसपेरेंसी विद इन द मीडिया, मीडिया ट्रांसपेरेंट है कि नहीं खुद को लेकर, यस, कि उस किस बेसिस पे व्यूज जनरेट करती है, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। और इसके अलावा मीडिया का एनवायरमेंट क्या है जिसमें वो ऑपरेट कर रही है, इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया कैसा है, ठीक है। देखिए तो ओवरऑल ऑल सिक्स क्राइटेरियाज पे इंडिया का रैंक ओवर इंडिकेट किया गया, 142 रैंक, ठीक है, 133 था पहले, ठीक है। सो ऑल द सिक्स पैरामीटर्स इफ यू कंपेयर अक्रॉस द ग्लोबल मींस द वर्ल्ड, ठीक है, यूरोपियन नेशंस, न्यूजीलैंड, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कनाडा, तो मेनी कंट्रीज आर हैविंग इन सिक्स पैरामीटर्स में स्कोर ज्यादा अच्छा है इंडिया से। आप बोले क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है कि नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या सैटेलाइट टेक का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। अब ये बताइए सुएस कनाल में अभी जस्ट वो क्या कहते हैं ट्रैफिक जाम लगा था, याद है आपको, सैटेलाइट इमेजेस निकाले गए, ठीक है, और जितने सैटेलाइट इमेजेस निकाले गए, जितनी तेजी से सैटेलाइट इमेजेस आए वेस्टर्न कंट्रीज में, उतनी तेजी से हमारे यहाँ नहीं आ पाए, एग्री कर रहे हैं बताइए मुझे चैट बॉक्स में।
ठीक है, एग्री कर रहे हैं ना? स्पीड ऑल्सो मैटर्स कि कितनी कितना टेक अवेलेबिलिटी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, ठीक है। हम लोग ध्यान दीजिएगा, और दिस क्या कहते, ठीक है, और हम लोग डिपेंडेंट है दूसरे दूसरे लोगों से लेते हैं ये, तब जाके हम पुटअप करते हैं। और ये देखिए मीडिया एनवायरनमेंट में आता है सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, ये देखिए सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, दैट्स इट। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, ये क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 6 पैरामीटर्स पढ़ लीजिएगा। अब आप बोले सर ये बताइए दैट डोंट यू थिंक दैट सर एवरी इंडिकेटर इज गोइंग अगेंस्ट, मीन्स इंडिया को रॉन्ग लाइट में पुट करा। सी स्टूडेंट्स वन थिंग आई टेल यू दैट आपने देखा होगा दैट इन ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेज, जब भी हम लोग कोई गलती करते थे, ठीक है, तो गलतियों में फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मान लीजिए यूपीएससी में आप अगर कुछ गलत कीजिएगा प्रीलिम्स में, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए नहीं हुआ प्रीलिम्स में, दो तरीके होते हैं रास्ते निकालने के। एक होता है दोष दे देना कि नहीं एग्जाम ही ठीक नहीं हुआ, एग्जाम ठीक नहीं आया था, पेपर ठीक नहीं आया था, पेपर सिलेबस के बाहर था। और एक और तरीका होता है अपने अंदर खामी निकाल कर उसको ठीक करना। बस उसको व्यू कैसे करते हैं आप, इसी पे पूरा जीवन आपका गुजर जाता है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज वैल्यूज इन योर लाइफ विच इज इनकल्केटेड बाई आवर सोसाइटी एंड बाई आवर फैमिली, जो एथिक्स के पेपर में पुटअप किया हुआ है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? बस मैं इतना बोलूंगा, दो 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 इसमें दो इंपैक्ट होंगे, दो तरह के लोग निकलेंगे, ठीक है। आपको हमें केवल अपने आप को सुधारते चले जाना है जीवन, ठीक है, बिकॉज वी आर अकाउंटेबल टू आवर सेल्स एट द एट मीन्स एट द कहते हैं एंड ऑफ लाइफ, 20-30 ईयर्स जो भी काम कर रहे हैं, मीडिया वाले काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वी आर अकाउंटेबल टू आवर सेल्स फर्स्ट, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो हर जगह आप हर जगह जैसे ही सवाल पूछे जाएंगे, एक सवाल ये पूछा जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंडियाज पुअर रैंकिंग, तो आपको वहां पुटअप करना है। रीजन्स नहीं, रीजन्स यहाँ 6 पैरामीटर्स देना है। आपसे अगर पूछा जाएगा डू यू थिंक इंडिया का रैंक जानबूझकर खराब शो किया जा रहा है, सर एज फार एज आई नो रैदर देन पॉन्डरिंग ओवर दिस दैट आर दे शोइंग अ पुअर रैंक और अ गुड रैंक, वी शुड पॉन्डर अपॉन समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को जांच लिया जाए एक बार, ठीक है, ठीक कर लिया जाए, क्या इसमें दिक्कत क्या है, अपने ही सुधर जाएंगे ना, हम ही लोग सुधर जाएंगे, हमारा देश ही सुधर जाएगा, अच्छी बात तो है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए आर्टिकल 19(1)(a) में जरूर लिंक कीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए एथिक्स का पेपर अडॉप्ट किया गया है हमारे यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में, ठीक है। कितनी बार जब सवाल पूछे यूपीएससी की ये अच्छा या ये अच्छा, आप कहना सर ये अच्छाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दैट हम, ठीक है, हम अपनी गलतियां कैसे हटाएं, दैट्स इट। तो इस चीज पे जरूर से इस चीज को याद रखिएगा, बिकॉज ये वो लोग ट्रैप डालते हैं यूपीएससी में, कीप अ ट्रैप फॉर यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे दैट दिस क्या कहते हैं, क्या रीजन था कि आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स खराब आ गया, और आप रीजन तलाशना शुरू करते हैं। ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर होता है, इट्स अ साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी दैट रीजन तलाशना, दूसरे को दोष देना है दूसरे को, ठीक है। दैट फॉर एग्जाम्पल सर उस साल सर मेरे रिलेटिव आ गए थे सर, मेरा नहीं ठीक हुआ सर ग्रेजुएशन का एग्जाम, वो लोग पकड़ लेंगे इस चीज को। पॉइंट, यस एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूं। देखिए मीडिया को बहुत ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, रिगार्डिंग सारी चीजों को लेकर, प्लूरलिज्म वेरी क्रूशल पॉइंट, ठीक है, सारे न्यूज कवर होने चाहिए और हर न्यूज पे सारे व्यूज। एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स? टेल मी, अल्टीमेटली न्यूज न्यूज ऑल न्यूज शुड बी कवर्ड एंड ऑन न्यूज ऑल व्यूज शुड बी कवर्ड एंड इन ऑल व्यूज All Indians should be covered. ये देखिए, ठीक है, यही चीजें बस, ठीक है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, एथिक्स पेपर में भी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19(1)(a) जरूर से लिंक कीजिएगा, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए एक जगह पे इंडिया की रैंकिंग खराब दी जाती है, एविडेंस है उसके लिए, कहां पे ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट रेटिंग्स आपने देखा होगा, क्रेडिट रेटिंग्स इंडिया को, ठीक है, वो क्या कहते हैं फिच की रेटिंग्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग्स हैं, मूडीज की रेटिंग्स हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल उन रेटिंग्स खराब हैं, ठीक है, पता है क्यों, उसमें एविडेंस है हमारे सामने, एविडेंस है दैट
दे आर नॉट गिविंग करेक्ट रेटिंग्स, ठीक है, दे आर बायस टूवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज। आपको पता है ये चीज, आपको पता है ये चीज, आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद मी। जो लोग मेरा इकोनॉमिक सर्वे फॉलो किए हैं, ठीक है, सेशंस, उसमें उनको पता है स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड फिच की रेटिंग्स, ये बिल्कुल इंडिया के, इंडिया को ये बायस रेटिंग्स लग रही हैं, क्योंकि इसने चाइना को भी ऐसी रेटिंग्स दिया था जब चाइना राइज कर रहा था। ये सब प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, तो यहां एविडेंस है हमारे पास दैट यस, पैसा लोन नहीं लिया, मींस लोन हमारा एक बार भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, तब आप हमें कहां रख रहे हो? सो हियर यू कैन पुट अप अ बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, तो ऐसा दिस, लेट्स प्रोसीड अहेड इन द नेक्स्ट न्यूज। ये देखिए अगला न्यूज, देखिए ये देखिए, डीकोड इंटरलिंक अप्रोच आर्टिकल 19(1)A में लिंक कीजिएगा। आई सपोज की दिस जो मैं सेशन सेशन लेता हूँ करंट अफेयर्स का, इट्स नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट पुटिंग इन वैल्यूज इन साइड योर पर्सनैलिटी। यस, एथिक्स का पेपर बहुत मैटर करता है आपके परसेप्शन के ऊपर, इतना याद रखिए। आपका परसेप्शन अच्छा होगा हर टॉपिक पे, आपको मार्क्स मिलेंगे 130-135 के रेंज में मिलेंगे, और आपका परसेप्शन थोड़ा सा भी उनको लगा कि नहीं आप ओपन माइंडेड नहीं है अपने क्रिटिसिज्म को लेकर, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, ये देखिए तीसरा न्यूज, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आउटपुट। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, व्हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रूड एंड नेचुरल गैस फेल अगेन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। क्या ये कल न्यूज आया था स्टूडेंट्स? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए, व्हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रूड एंड नेचुरल गैस फेल अगेन इन 2021, ठीक है, तो ये यहां देखिए क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर ये कल न्यूज आया था, और आज इसका रीजन आ रहा है। ये रीजन क्या, इसके पीछे लॉकडाउन, लॉकडाउन इज वन रीजन, यस लॉकडाउन, दिस कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, लॉकडाउन इज वन रीजन, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कौन करता है इंडिया में? दो बड़ी एजेंसीज हैं, स्टेट ओन्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक है ONGC और एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ONGC और OIL, यही दो स्टेट ओन्ड फर्म्स हैं, स्टेट ओन्ड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं। ये डोमिनेट करता है क्रूड ऑयल का पूरा प्रोडक्शन, यही दो कंपनीज, एग्री? ठीक है, यस। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं एथिक्स का पॉइंट जो मैं बताता हूं ना क्लास में, यही चीजें लिख दीजिएगा वहां पे, मींस अगर यही परसेप्शन आ जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 120 नंबर, मींस बहुत हद तक आपके जो केस स्टडीज होंगे ना, ये परसेप्शन मैटर करेगा, ठीक है। तो ये देखिए कल आया था, इंडिया इज इंपोर्टिंग 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स, ठीक है, इंपोर्ट्स कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आज, आज की तारीख में ये आया हुआ है, लॉकडाउन के अलावा एक और बड़ा रीजन है, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द की रीजंस, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द की रीजंस इज लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अच्छा, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यस, ये देखिए लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ये देखिए, ठीक है, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ये देखिए स्टूडेंट्स, और यहां पे देखिए दिस क्या कहते हैं, क्यों प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन मिसिंग है इस सेक्टर में, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ डिले इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लियरेंसेज, यस, लाइसेंस राज, ठीक है, लैक ऑफ परमिट, लैक ऑफ क्लियरेंसेज। क्या ये दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि कैसे क्लियरेंसेज जो चाहिए होते हैं उसके कारण प्राइवेट सेक्टर डीमोटिवेट हो रहा है इस सेक्टर में ऑयल एंड नेचुरल गैस में एक्सप्लोर करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए? यस, यू कैन सी इट हियर, क्लियर? इस चीज को जरूर नोट कीजिए, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज ह्यूजली लैकिंग इन ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एंड नेचुरल गैस ऑल्सो, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ डिले इन मेजर क्लियरेंसेज, डिलेज इन मेजर क्लियरेंसेज, सबसे बड़ा मेजर क्लियरेंसेज में डिलेज में एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज, ये देखिए एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज भी इसमें बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, याद है बगजन ऑयल फील्ड, याद है कुछ, ठीक है, क्या कहते हैं बगजन ऑयल फील्ड, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व के बगल में,
आग लग गई थी, एक साल सीधे आग लगी रही है वहां बगजण में, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था शायद, ठीक है, बगजण ऑयल फील्ड नियर डिब्रू सैखोवा, ठीक है, शायद याद होगा वहां डिब्रू सैखोवा के आज। देखिए मैं बता दूं इस बार डिब्रू सैखोवा फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स या नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ध्यान दीजिए बगजण ऑयल फील्ड, ठीक है। मैं कल एक ओवरव्यू ले रहा था पिछले एक साल के न्यूज का, ठीक है, तो बगजण ऑयल फील्ड में आग लगी थी, ये न्यूज था। सेकेंड, क्या एक मैंडरिन डक आया था इसके आसपास? मैंडरिन डक याद कीजिए, ठीक है, मैंडरिन डक फ्रॉम चाइना केम, कलरफुल डक आया था, ठीक है, चाइना से, याद है कुछ? ठीक है, और ये कहां आया था स्टूडेंट्स? इन मगुरी, मगुरी कुछ करके, मगुरी मोटापोंग लेक, जस्ट डिब्रू सैखोवा के बगल में। याद कीजिएगा डिब्रू सैखोवा इसलिए हो जाता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, ठीक है, मगुरी मोटापोंग बील और फिर वही डक अरुणाचल प्रदेश गया, ठीक है। सोचिए कितना लकी डक है, दो बार न्यूज़पेपर में आ गया, ठीक है, क्लियर। एक बार असम में, यहां पे मगुरी बील में, ठीक है, मगुरी लेक में, और एक बार जाकर अरुणाचल प्रदेश में मैंडरिन डक। सो प्लीज फोकस अपॉन डिब्रू सैखोवा फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स और नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स, ये आएगा ही आएगा, ठीक है, इसको रेडी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। लार्जेस्ट सैलिक स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है, यस, ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्वैम्पी रीजन है, ठीक है, फॉरेस्ट है, ठीक है। एंड ये तुरंत से इसका मतलब है, इस न्यूज को कहां लिंक करोगे स्टूडेंट्स? वेयर विल यू लिंक दिस न्यूज? तुरंत न्यूज किस चीज में लिंक करोगे? ऑयल डिप्लोमेसी, इंडिया का ऑयल प्रोडक्शन शॉर्ट कर रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, और उसके पीछे रीजन है लैक ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और इसके पीछे रीजन है लाइसेंस राज, याद कर लीजिए, ठीक है, दैट्स इट। देखिए इसका मतलब है 1991 में रिफॉर्म्स लिए गए थे, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स, यू माइट हैव हर्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरेट द कंट्रोल्स, स्टिल देयर इज अ डिले। कंट्रोल्स लिबरेट करने की बात क्यों आई थी? क्योंकि अनड्यू डिलेज, अनड्यू करप्शन, एग्री कर रहे हैं? अनड्यू करप्शन, खूब डिलेज, ठीक है, खूब रेड टेपिज्म, फाइल बंद करके, ठीक है, लाल फीते से बंद करके साइड में रख देते थे, ठीक है। और इसका मतलब है 30 years it has been, 30 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी डिलेज कॉमन है, एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स? चल में ठीक है, यस ले लेंगे हम एलपीजी से का सेशन, ठीक है, डोंट वरी, क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये जरूर से लिंक कीजिएगा। और इंडिया के इंपोर्ट्स कितने हैं? 85% ऑफ इंडियाज डिमांड, 85% ऑफ इंडियाज डिमांड, आप जरूर से इसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डोंट वरी फॉर डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, आज पीडीएफ आ रहा है आपके ग्रुप पर, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, ये ऑक्सीजन थेरेपी वाला नहीं है पॉइंट, ये है क्लाइमेट टारगेट्स का पॉइंट, क्लाइमेट न्यूट्रल होने के लिए, कार्बन न्यूट्रल होने के लिए, ध्यान दीजिए कार्बन न्यूट्रल, ये देखिए सबसे ज्यादा आज न्यूज में चल रहा है पूरे विश्व में, ठीक है, ठीक है। डक मींस बतख, यस, ठीक है। तो ये देखिए कार्बन न्यूट्रल टारगेट्स, देखिए पूरा वर्ल्ड आज बात कर रहा है क्योंकि आज से मीटिंग शुरू हो रही है। ये देखिए यूरोपियन यूनियन क्लिंचेस डील टू बिकम क्लाइमेट न्यूट्रल ब्लॉक बाय 2050, ये तो चिंता की बात है भाई, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो इन लोगों ने कहा, ठीक है, इनको 2030 तक रीच करना था, 2050 तक रीच करेंगे, देखिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बाइडेन टू प्लेज टू कट ग्रीन हाउस एमिशंस नियरली टू हाफ बाय 2030, ये देखिए हाफ बाय 2030 लिखा हुआ है, इट इज नॉट इनफ, बट एटलीस्ट
शुरुआत तो हुई, ठीक है, क्योंकि अभी 6 महीने पहले यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ ऐसा प्रॉमिस नहीं आया था, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ही हैड टोल्ड दैट यूएस इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस, कुछ नहीं, उसने कहा कुछ, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा, ठीक है, ठीक है, सोचिए, तो ये देखिए स्टूडेंट्स दैट दिस इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ, बट स्टिल कम से कम ट्रैक पे तो आए, ठीक है, जो सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है, ठीक है, वो कम से कम ट्रैक पे आया तो बड़ी बात है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो था, ठीक है, लास्ट ईयर आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक बेल्ट में, अलास्का में, उसने आर्कटिक बेल्ट में मींस जहां पोलार बेयर्स रहते हैं, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ रहता है, ही गेव अ ग्रीन सिग्नल टू ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड समवन द एनवायरमेंटलिस्ट वेंट टू द दिस मींस कंप्लेंट्स हुए, मीडिया में रिपोर्ट्स आए दैट व्हाट इज हैपनिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस विल राइज, द स्टेटमेंट वॉज फ्रॉम हिज साइड, द स्टेटमेंट वॉज दैट इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा, यू कैन इमेजिन द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द प्रीमियर ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री एट दैट टाइम, ठीक है, तो सोच लीजिए वही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड खुद कह रहा है कि मुझ पर ध्यान दो, ठीक है, मैं एमिट हो रहा हूँ रियलिटी में, ठीक है, मैं प्रोपेगेंडा नहीं हूँ, CO2 कह रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है CO2 का, स्टिल नो कंसर्न्स लास्ट ईयर, एटलीस्ट नाउ US हैज कम ऑन ट्रैक, ठीक है, और ये देखिए यूरोपियन यूनियन हैज कम ऑन ट्रैक, ये देखिए 2050, ठीक है, और ये हाफ करेंगे 2030 तक, ठीक है, यू आर सीइंग US अप्रोच, US का अप्रोच, एक चीज आप US के अप्रोच में एक बड़ा पॉइंट देखिए आप, क्या ये वेट एंड वॉच पॉलिसीज हैं, टेल मी, उसने पूरा नहीं कहा है अभी भी, ठीक है, US विल इनिशिएट द रिमेनिंग हाफ, ठीक है, जो बाकी का आधा कट करना होगा, बाकी कंट्रीज को देख कर वो प्रॉमिस करेगा, देखिएगा, ठीक है, getting the point, so this is it, wait and watch policy of US, 2030 tak half, and this is the reason US, sorry, in UPSC personality test mein this is asked, ye sawal pucha jata hai ki India ki policy approach kya rahe, aise condition mein you have to say ek bada policy approach wait and watch rehta hai, itna yaad rakhiye, theek hai, तो चलिए आज ये देखिए इंडिया की तरफ से भी पार्टिसिपेशन होगा क्लाइमेट समिट में आज, ठीक है, ये देखिए वर्चुअल क्लाइमेट समिट होने वाला है आज, ठीक है, 40 अदर वर्ल्ड लीडर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, यस, यूपीएससी का एग्जाम स्टूडेंट्स इतना याद रखिएगा, इट्स नॉट बेस्ड अपॉन करेंट अफेयर्स एंड फैक्ट्स ओनली, दिस इज वाई मैं एक एक चीज कवर करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट तक में आ सकते, इतना याद रखिएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है, UPSC is not an objective examination, इतना याद रखिएगा, it's very very subjective, especially in the mains and personality test. तो ये देखिए decode interlink approach, climate change and commitments में जरूर से लिंक कीजिएगा, European Union के commitments, China के commitments, ठीक है, and US के commitments, and what is being carbon neutral, जरूर से याद रखिएगा, कल इस पर editorial आया था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स, ये आज वर्ल्ड अर्थ डे है, ये देखिए फर्स्ट हेल्ड ऑन 22 अप्रैल, ये देखिए एक एडवर्टोरियल आया है, एडवर्टोरियल, ठीक है, एड प्लस एडिटोरियल, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, एडवर्टोरियल वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर, द अर्थ डे सेलिब्रेट्स द बाउंटीज ऑफ मदर नेचर विल्स वोइंग टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम पेरिल्स ऑफ पॉल्यूशन एंड मैनमेड केमिकल्स, 22 अप्रैल 1970 को सबसे पहली बार अर्थ डे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, ठीक है, और ये देखिए अर्थ डे के ऊपर ये पूरा डिटेल्स इंडियन एक्सप्रेस में लास्ट ईयर आया था, जरूर से देख लीजिए, ठीक है, अर्थ डे कब ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, पहली बार क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है, दिस यू विल गेट द प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं भी आएगा तो स्टेट सर्विसेज में इट कैन कम द डेट द ईयर व्हेन इट फर्स्ट बिगैन, और मैं बता दूं स्टूडेंट्स 1970 में वर्ल्ड अर्थ डे मनाना शुरू किया गया, उसी समय
people were getting ready for one of the biggest summits to come up, the Stockholm Summit. The Stockholm Summit. Stockholm is the capital of Sweden. 1972 में summit. ये वही 72 का summit था जिसमें UNEP बनाया गया, United Nation Environment Program. Getting the point? ठीक है, UNEP सुना है आपने students? ये अर्थ ध्यान दीजिएगा, बहुत सब कुछ इंटरलिंक्ड है, कुछ भी अलग अलग बिखरा नहीं है. 1960s first time the it was the matter came up that it was a matter of concern that the pollution is rising, chemical pollution is rising and जो क्या कहते हैं greenhouse gas emissions, उसके कारण पृथ्वी पर असर पड़ेगा. तो उसमें सबसे पहले 1970 में वर्ल्ड अर्थ डे, और उसके बाद UNEP समिट, स्टॉकहोम समिट 1972 यूएनईपी बनाया गया. और यही 72 के 20 साल के बाद प्लस 20 इयर्स द मोस्ट क्रूशियल समिट ऑफ द मॉडर्न टाइम्स द रियो समिट द अर्थ समिट. आई होप ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. ये देखिए अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो समिट, सुना होगा आपने अर्थ समिट. ये वही समिट है जिसमें 3 कन्वेंशन साइन किए गए थे. कौन से 3 कन्वेंशन है लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ठीक है, 20 साल. ठीक है, और यहां पे रुके नहीं हम लोग. 1992 प्लस 20 इयर्स 2012 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम टू द फोरफ्रंट. SDGs, हैव यू हर्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? लेट मी नो. हर 20 साल पे एक बड़ा डिसीजन हो रहा है. यस, 1972, 1992, 2012. It's a big, big, this contribution towards saving the planet Earth. Yes, correct है. UNFCCC, CBD and UNCCD, ये तीनों कन्वेंशन साइन किए गए थे रियो समिट में. आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स. ये देखिए 6th न्यूज आज का, इंडिया एट 3 लाख प्लस केसेस, 2091 डेथ्स, हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में आज तक का हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक यूएस में आया था, 3,07,000 केसेस जनवरी 8 को आया था. ठीक है, जनवरी 8 को आया था, लेकिन आज की तारीख में इंडिया में 3.15 लाख केसेस केम अप एंड दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज यूएस, ध्यान दीजिएगा, यूएस 1 लाख केस से 3 लाख केस तक, यही दिया हुआ है न्यूज में, फ्रॉम 1 लाख केस टिल 3 लाख केस यूएस रीच्ड इन 2 मंथ्स, अप्रोक्सीमेट 1.5 मंथ्स, नवंबर 22 से लेकर जनवरी 8 तक. ठीक है, नवंबर 22 को 1 लाख केस, जनवरी 8 को 3 लाख केस यूएस में. वेल, इंडिया हैज रीच दिस इन 20 डेज शार्प, 21 दिन में इंडिया रीच कर गया है. इसीलिए कहा जा रहा थोड़ा सा कंसर्निंग मैटर है ये. ठीक है, और ये देखिए वेरिएंट इन बंगाल फाउंड कैन इवेड द इम्यून सिस्टम. ये देखिए अ मेजर म्यूटेशन फाउंड इन अ वेरिएंट ऑफ कोविड-19 इन बंगाल विच कैन इवेड द इम्यून सिस्टम कैन लीड टू इंक्रीज्ड इन्फेक्शंस पॉसिबली कॉम्प्रोमाइज वैक्सीन एफिकेसी. ये देखिए तो कोरोना वायरस में 15% ऑफ द जीनोम्स जो फाइंड किए गए बंगाल में, उसमें एक बहुत बड़ा म्यूटेशन पाया गया है और ये इवेड कर रहा है इम्यून सिस्टम को. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है. ठीक है, म्यूटेशन आपको पता ही है, इतने ज्यादा म्यूटेशन म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहे हैं, यू कैन इमेजिन द कंडीशन. दिस इज द रीजन द केसेस हैव रिजन अप इन द लास्ट 20 डेज. ये देखिए तो ये देखिए ये जो म्यूटेशन पाया गया बंगाल के स्ट्रेन में, ये देखिए वो लिखा हुआ है, इट इज फाउंड इन सेवरल इंटरनेशनली आइडेंटिफाइड वेरियंट्स. ये देखिए जो बाहर के वेरियंट्स में पाया गया था, सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन है लगभग. ये देखिए, तो लेट्स सी व्हाट अनफोल्ड्स इन फ्यूचर. बट यस, इंडिया विल हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, और इसमें इंडियंस का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस बीमारी को रोकने में. आई होप ऑल ऑफ यू एग्री. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. इसमें बहुत बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जरूरी पड़ेगा कि इंडिविजुअल्स खुद की रक्षा करें, घर पे रहे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना ये नहीं हो पाएगा. ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए कोवैक्सीन फेज 3 ट्रायल शोज वैक्सीन एज 78% एफिकेसी. यू कैन सी इट हियर, 81% से इट इज डाउन टू 78% इन द थर्ड ट्रायल.
इट्स ओके, वन ऑफ द बेस्ट एफिकेसीज, एफेक्टिवनेस वन ऑफ द बेस्ट है वैक्सीन्स में अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये देखिए वो वैक्सीन फेज 3 ट्रायल। और ये देखिए अगला न्यूज, ये देखिए नासिक में कल 24 COVID-19 पेशेंट्स विदाउट ऑक्सीजन एज गैस लीक्स इन द हॉस्पिटल। तो दिस इज द कंप्लीट न्यूज कमिंग अप। ये देखिए द कंप्लीट न्यूज कमिंग अप इज शोइंग इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रेडी टू मीन्स ये हैंडल करने में बहुत परेशानी हो रही है इस तरह का पैंडेमिक। एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये देखिए यस एग्जैक्टली, यही तो देखा गया। देखिए द लीडर शुड प्रोसीड विद पुटिंग ऑन मास्क इन द पब्लिक। ठीक है, बहुत हद तक मैं बता दूं आपको, मास्क डबल मास्किंग की बात की जा रही है अभी। और इसमें लीडर्स देखिए, विदाउट लीडर्स अ नेशन हेड्स नोवेयर। डू यू एग्री? टेल मी, विदाउट लीडर्स अ नेशन हेड्स नोवेयर। जब तक लीडर्स नहीं, लीडरशिप पर डिपेंड करता है सब कुछ। यस, और लीडर्स का मतलब सब कोई होता है। ठीक है, एवरी पॉलिटिकल लीडर, एवरी ब्यूरोक्रैट, ठीक है, ब्यूरोक्रैट लीडर्स, ठीक है, और इन्हीं पर डिपेंड करता है कि देश कहां जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन इसे बीमारी को लेकर। मास्क, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, तो दिस इज इट। तो दिस शोज दैट COVID-19 हैज शोन दैट यस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी रैम्प्ड अप इन इंडिया। और अभी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी सप्लाई की जरा देखिए, अभी लेवल बेस्ट ट्राई किया जा रहा है, बट व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज अ क्योर। ठीक है, इसमें अच्छा खासा प्रिकॉशन जो लेना चाहिए था शायद वो हो नहीं पाया समय पे। तो चलिए इसी पे, वैक्सीनेशन पे एक एडिटोरियल आया है, एडिटोरियल देख लेते हैं COVID-19 वैक्सीनेशन का। ही देखते हैं, अ रेसिपी फॉर वैक्सीन इनइक्विटी। तो थोड़ा क्रिटिकल एडिटोरियल है, क्रिटिसिज्म पुटअप किया गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न और बढ़ गया है इस एडिटोरियल को पढ़कर। इस एडिटोरियल में पुट किया गया, वैक्सीन इनइक्विटी विल राइज अप। सेकेंड पॉइंट ये देखिए, ठीक है, वैक्सीन कैपिटलिज्म विल राइज अप। अब बोलेगा सर कैसे, सर क्या प्रूफ है? ये केवल जस्ट अभी जो अनाउंसमेंट नया आया है उसके तहत, अप्रैल 19 अनाउंसमेंट को लेकर दिस आर्टिकल, दिस पर्सन इज एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज क्रिटिसाइजिंग दिस अनाउंसमेंट। ये देखिए, नहीं, एट प्रेजेंट आज की तारीख में इंडिया जैसे केसेस कहीं नहीं है। ठीक है, एट प्रेजेंट मैं बता दूं, मैक्सिमम देखिए, यूएस एंड इंडिया हैव ओनली क्रॉस्ड 1 लाख केसेस इन अ डे, बाकी सारी कंट्रीज का 1 लाख से नीचे रहा है केसेस पर डे। ठीक है, ठीक है, यस, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर का आया था, यस यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही, दैट शी वॉज नॉट वेयरिंग मास्क एंड शी वॉज फाइंड फॉर इट, यस। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये पता है क्या लिखा हुआ है इसमें, आइए देखते हैं इस आर्टिकल में कुछ लिखा हुआ है। सी, वैक्सीन इनइक्विटी कैसे राइज करेगा, वैक्सीन कैपिटलिज्म कैसे राइज करेगा, इस जगह पर लिखा हुआ है, हैव अ लुक। विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अप्रैल 19 एबडिकेटेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर इक्विटी इन वैक्सीन अवेलेबिलिटी बाई क्लियरली स्टेटिंग दैट फ्री वैक्सीनेशन वुड बी लिमिटेड टू हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब है फ्री वैक्सीनेशन अब सबके लिए नहीं होगा। एग्री कर रहे हैं? टेल मी बच्चा लोग, बताइए, फ्री वैक्सीनेशन ओनली टू फ्रंटलाइन वर्कर्स, एंड सेकेंड पॉइंट पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज। ये देखिए, वो आपको मिल जाएगा, मेरे ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, यू मुझे मैसेज कीजिए प्लस के, अगर आपको नोट्स के लिए प्रेस नोट्स चाहिए तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे, वर्स द गवर्नमेंट हैज सेट द स्टेज फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट मार्केट्स टू हैव एक्सेस टू द वैक्सीन्स फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक। इसका मतलब है थर्ड फेज में, ध्यान दीजिएगा, 18 ईयर्स के ऊपर के सारे लोग एलिजिबल होंगे वैक्सीनेशन के लिए, बट उसमें कुछ कंडीशंस देख लीजिए। द टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स विल सप्लाई 50% ऑफ देयर वैक्सीन टू यूनियन गवर्नमेंट,
वाइल द रिमेनिंग डोजेज विल बी मेड अवेलेबल टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. क्या ये 50-50 का शेयर है स्टूडेंट्स? टेल मी. ये देखिए, यूनियन गवर्नमेंट को 50% और स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 50%. अब आप बोलिएगा सर इसमें चिंता की बात क्या है? ये आर्टिकल यही बता रहा है इसमें चिंता की बात है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाएंगे तो टेल मी आर द स्टेट गवर्नमेंट्स एफिशिएंट इनफ? टेल मी, क्या इतनी एफिशिएंसी है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में? आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन पुट अप कीजिए चैट बॉक्स में. दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो ये देखिए यहां पे, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द इंडियन गवर्नमेंट टुक द फर्स्ट स्टेप ऑफ चार्जिंग फॉर वैक्सीन बाय फिक्सिंग द कॉस्ट ऑफ जैब्स एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स एट अप टू ₹250 पर डोज. ठीक है, लेकिन अब नया अनाउंसमेंट आया, फ्री की बात नहीं चल रही है. ध्यान दीजिएगा, फ्री की बात नहीं चल रही है, अलग अलग पैसे की बात आई है. यहां देखिए, ठीक है, ये देखिए यहां पे, अ कंट्राडिक्टरी अप्रोच. मेनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव सील्ड वैक्सीन सप्लाईज मेनी टाइम्स देयर टोटल पॉपुलेशन. ये देखिए, अपने पॉपुलेशन से ज्यादा उन लोगों ने अपने लिए वैक्सीन प्रिजर्व कर लिया है. ठीक है, अगेंस्ट दिस, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, इंडिया हैज टेकन अ डेंजरस गैम्बल इन अलाउइंग कंपनीज टू सेल वैक्सीन एट ह्यूज प्रॉफिट्स अमिड अ पेंडेमिक. तो ये जो वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो लेंगे, तो देखिए क्या ये डोज फिक्से, क्या ये प्राइस फिक्सेशन कंपनीज पे छोड़ा गया है? टेल मी. ये देखिए, इन इंडिया द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डिस्पाइट नॉट सेलिंग द वैक्सीन एट द कॉस्ट प्राइस is making a small profit while supplying it at ₹150 per dose. With the price tag of 400 and 600 per dose, the company will be earning more than 2.5 to 3 times the profit as early as May 1. इस पैंडेमिक में जो उसने प्राइस सेट किया है, नया प्राइस स्टेट गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, उसमें वो प्रॉफिट अर्न करेगा. नाउ टेल मी, विल दिस लीड टू द पीपल हु विल हैव मनी गेनिंग एक्सेस टू वैक्सीन? टेल मी, जिनके पास पैसा होगा. सो हैव अ लुक, डिफरेंट प्राइसेस. ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स ठीक है, ये पहला नेगेटिव पॉइंट. ठीक है, विल दिस लीड टू वैक्सीन इनइक्वालिटी? टेल मी. अब आप बोलेगा सर ₹400 सर किसके पास नहीं है? ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल एक अच्छी बात पॉइंट आउट कर रहा है. इस पैंडेमिक में जहां पे मजदूरों की नौकरी छूट गई है, वहां ₹400 इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो रहा है. एग्री कर रहे हैं? या ₹600 इंतजाम करना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ये देखिए. ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट, हैव अ लुक सेकेंड पॉइंट. टेल मी, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोक्योर करेंगे ओपन मार्केट से? आर दीज स्टेट गवर्नमेंट्स इक्वली एफिशिएंट? नहीं. तो विल देयर बी समथिंग कॉल्ड एज वैक्सीन इनइक्विटी रीजन वाइज ऑल्सो, इन रीजनल इनइक्वालिटी? टेल मी, क्या ये रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ेगा वैक्सीन में? ये आर्टिकल वही बोल रहा है. ये देखिए, रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ेगा कि जो स्टेट्स पुअर हैं, जहां पहले से गरीबी चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अब पैसे नहीं है ना, उनके पास अच्छा बजट है, वेयर विल दे हैव द मनी टू प्रोक्योर द वैक्सीन्स? इसका साफ साफ मतलब है जो ह्यूजली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, द यंगर स्टेट्स, बिहार, यूपी, आर दे गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स? टेल मी, इन प्रोक्योरिंग द वैक्सीन? यस, it will lead to regional inequality. The states having a good budget, good revenues will go towards procuring, while the other states will not. Regional inequality may come up. तो यहां लिखा हुआ है कि इसका अंत असर यही होगा. ठीक है, इस आर्टिकल में बस इतना ही लिखा हुआ है. ठीक है, that इसका एंड असर यही होगा. There should be a set of guidelines. ठीक है, even procurement को लेकर, and the cost should have been somewhat less. The center would have decided upon the cost. बस यार यही लिखा हुआ है, that yes, everyone is ready to pay the vaccines price, but it should be equal across the states. Equal.
ठीक है, हाउ मच वैक्सीन इन इक्विटी विल बी सीन इन ईच स्टेट विल डिपेंड अपॉन द पॉलिसीज दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स विल डिजाइन टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स परेशानी में है, अच्छा खासा करप्शन चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स में, ठीक है, अच्छी खासी जगहों पे, ठीक है, तो दिस विल अल्टीमेटली इंपैक्ट उनका और एफिशिएंसी इंपैक्ट हो जाएगा इससे। एंड सिंस नो वन इज सेफ टिल एट लीस्ट अ वास्ट मेजोरिटी इज प्रोटेक्टेड टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट COVID-19, इट इज इंपेरेटिव दैट द इंडियन गवर्नमेंट एंश्योर दैट कंपनीज डू नॉट बिकम ग्रीडी वाइल सेलिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये बताइए, ये तो ओपन मार्केट हो जाएगा, ओपन मार्केट, और क्या वैक्सीन शॉर्टेज चल रहा है, वैक्सीन शॉर्टेज चल रहा है, क्या ये ओपन मार्केट हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोक्योर करेंगे, और क्या स्टूडेंट्स डोंट यू थिंक इट मे लीड टू इन्फ्लेशन ऑल्सो, ठीक है। इन्फ्लेशन ऑल्सो, तो कंपनीज में बिकम ग्रेडी, अब आज की बात नहीं चल रही, लेकिन और कम से कम 3 वैक्सीन आने वाले हैं, तो 3+2 5 वैक्सीन हो जाएंगे, डोंट यू थिंक उस वैक्सीन में भी ग्रेडेशन होगा, रिच किसे लेगा पुअर किसे लेगा, एग्री कर रहे हैं, टेल मी वैक्सीन डिवाइड, टेल मी स्टूडेंट्स, ये देखिए वैक्सीन डिवाइड। So ultimately there might be, yeah, this article ultimately it's not only critical, it's putting up that the state governments cannot proceed ahead without the guidance of the center. Yeah, bas ye likha hua hai, the state governments cannot proceed without the guidance of the center. So center should come up, it should not means ye shortfall jo kar raha hai center, ise nahi karna chahiye, ise aana chahiye, kyunki स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं काम कर पाएंगी उस हिसाब से जैसे सेंटर कर पाएगा। आई सपोज द होल डिस्कशन यू गॉट इन माइंड, 3 चीजें यहां से निकल रही हैं, 3 पॉइंट्स निकल रहे हैं, पहला डिफरेंट प्राइसेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वैक्सीन इनइक्वालिटी, सेकंड रीजनल इनइक्वालिटी डिफरेंट स्टेट्स, एंड थर्ड वैक्सीन कैपिटलिज्म, प्राइसेस चार्ज बाय द कंपनीज, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, प्राइसेस चार्ज बाय द कंपनीज। तो ये दिस होल आर्टिकल एंड्स एट अ स्टेटमेंट दैट द सेंटर मस्ट कम इन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू हैंडल दिस। इन्फ्लेशन कैसे होगा, मे बी लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट हॉस्पिटल्स जब वैक्सीन अभी शॉर्टेज किया हुआ है, ठीक है शॉर्टेज नहीं किया है तो जितने हिसाब से वैक्सीन चाहिए होंगे 1 मई को नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है दैट इज इन दिस आर्टिकल दैट प्राइवेट हॉस्पिटल्स मे गो फॉर इन मीन्स क्या कहते हैं कि मेरे को प्रोक्योर करना है, मेरे को पहले प्रोक्योर करना है, इट मे लीड टू कैप तो लगा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली जिसके पास पैसा रहेगा वो ज्यादा पैसे देने को रेडी रहेगा वैक्सीन के लिए। दैट्स इट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज इट द फर्स्ट आर्टिकल, तो शॉर्टकमिंग निकाला गया, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स मैं बता दूं यहाँ पे दिस मींस हमारे जो संविधान में लिखा हुआ है दैट अल्टीमेटली दिस इन दिस होल सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ वर्क बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, ठीक है, अल्टीमेटली हमारे यहाँ इट्स वेरी मच क्वासी फेडरल, डू यू एग्री, पार्शली फेडरल, एग्री कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं जो पूरा सेपरेशन ऑफ पावर या वर्क का कंसेप्ट है वो टिल्ट किया है टूवर्ड्स द यूनियन, ठीक है, एंड यूनियन का मतलब है कि इसे गाइडेंस गार्जियन ये है, इसको गार्जियन के रूप में आना पड़ेगा, इसे गाइडेंस देने आना पड़ेगा हर उस नए कदम पे जहाँ पे स्टेट और लोकल बॉडीज काम नहीं कर पाएंगे, ये लगता है यूनिटरी बायसनेस इज देयर, एंड इट्स नॉट अबाउट यूनिटरी बायसनेस ओनली, इट इज लाइक द सेंटर इज लाइक अ गार्जियन एंड अ गाइड फॉर द स्टेट्स। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री, सेंटर इज लाइक अ गार्जियन एंड गाइड इन इंडिया केस, दैट्स इट।
यस टेलीग्राम चैनल है एंड आई होप द सेशन इज गोइंग ऑन इंटरेस्टिंग, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। टेल मी स्टूडेंट्स, देखिए इसका इस आर्टिकल का सब हेडिंग है द सेंटर्स लेटेस्ट पॉलिसी मे पुश अ ह्यूज चंक ऑफ द पॉपुलेशन आउट ऑफ द सेफ्टी नेट, आउट ऑफ द सेफ्टी नेट। ये देखिए जो गरीब है बस उनकी बात कर रही है, ठीक है। तो चलिए आगे आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला न्यूज, अ फ्रेश पुश फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ये देखिए ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है और इसको लेकर लिखा हुआ दैट कैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ये देखिए जो वाटर से निकाला जाएगा, ये देखिए देखिए, तो ये देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। क्या ये आया था स्टूडेंट्स, पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने, टेल मी, इस पे कुछ आया था इंडिया का नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, नेशनल, ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो दिस आर्टिकल ये क्या टॉक कर रहा है स्टूडेंट्स, दैट हाउ टू एनहेंस दिस मिशन। बहुत अच्छा मिशन है और ये जस्ट एक कुछ स्टेप्स दे रहा है, की स्टेप्स हाउ टू एनहेंस, यस, कैसे इसे ठीक से ट्रैक पे रखा जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसने चार स्टेप्स बताए जस्ट, ठीक है, क्या करने से अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, पहला पॉइंट, टेल मी क्या इस नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इसमें ये देखिए यहाँ पे दिस इज द इलेक्ट्रोलाइजर, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइजर जिसमें वाटर को ब्रेक कर, मीन्स वाटर को दिस क्या कहते हैं, वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग डिराइव किया जाता है वाया केमिकल रिएक्शन। ये देखिए हाइड्रोजन देखिए अलग, ऑक्सीजन देखिए अलग, ये देख रहे हैं। अब आप बोलिएगा सर इसमें ये कैसे किया जाता है, ये देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया, ये ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो ये आप बोलिएगा ठीक है सर, तो ये सर ये कहाँ से, क्या सर इसमें पावर चाहिए सर इसको ब्रेक करने के लिए वाटर को, यस, ये देखिए। और ये पावर कहाँ से आएगा, रिन्यूएबल्स, देखिए रिन्यूएबल्स, ये देखिए विंड एनर्जी देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए ठीक है, ये देखिए सोलार पैनल्स, ये देखिए इससे पावर आएगा और तब इस एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर विल बी डिवाइडेड इंटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विल बी रिक्वायर्ड टू, दिस हाइड्रोजन विल फंक्शन एज अ फ्यूल, ये देखिए क्लीन फ्यूल, एग्री कर रहे हैं, ये देखिए। बस लास्ट पॉइंट चल रहा है, 5 से 10 मिनट का सेशन है, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, ये देखिए यहाँ भी देखिए, ठीक है, वही सेम कंसेप्ट, ये देखिए वाटर इज पुट इन टू द सिस्टम, वाटर रिएक्ट्स एट द एनोड टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन्स, हाइड्रोजन आयन्स मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद इसी से ये क्या कहते हैं हाइड्रोजन को फिर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मीट एट द कैथोड, ठीक है, जो नेगेटिव जो इसका कहते हैं जो जिसके कहते हैं नेगेटिव जो नोड है यहाँ पे, देखिए जस्ट अ मिनट, नेगेटिव नोड, ये देखिए, और यहीं पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, ये देखिए, यस यस, वेरी क्रूशियल पॉइंट, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन ट्रैप हो सकता है यहाँ पे और ऑक्सीजन का इस्तेमाल, वेरी गुड, ऑक्सीजन थेरेपी में भी हो सकता है, वेरी क्रूशियल पॉइंट, अ गुड सप्लीमेंट पॉइंट फ्रॉम योर साइड, गुड। तो आप बोलिएगा कि सर ये क्या, सर ये एफिशिएंट है कि नहीं, देखिए अब हाइड्रोजन फ्यूल, अगर हाइड्रोजन फ्यूल का इंपैक्ट देखिएगा तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, क्यों, इसका हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल से बहुत हद तक जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस है सब हट जाएंगे इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। लेकिन इस हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या इंडिया को कुछ की स्टेप्स लेना पड़ेगा, टेल मी, Will India have to take key steps? Yes, yes, India will have to take key steps. ये देखिए तो पहला key step, tell me, first key step is, does this hydrogen fuel generation need a power supply? और क्या वो renewable power supply है, tell me, क्या renewable power supply रहना चाहिए? अब सवाल ये होता है कि renewable power कहाँ से कहाँ, ठीक है, क्या इस hydrogen को ध्यान दीजिएगा, रिन्यूएबल पावर जो है विंड एंड सोलार एनर्जी, क्या ये रिमोट एरियाज में है, टेल मी, क्या ये रिमोट एरियाज में, टेल मी स्टूडेंट्स, रिमोट एरियाज, हार डेजर्ट, कच्छ रीजन गुजरात का, ठीक है, आप देखिएगा, ठीक है, और दिस कोकन बेल्ट इन महाराष्ट्र, इन जगहों पे है रिन्यूएबल पावर। अच्छा, तो यहां पे अगर हम लोग वाटर में रिएक्शन करेंगे इलेक्ट्रोलाइजर लाकर थार डेजर्ट में, कच्छ में, और फिर हाइड्रोजन बनाकर
और ट्रांसपोर्ट करेंगे, विल दिस बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, टेल मी, क्या ये बहुत डिफिकल्ट होगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए? बहुत डिफिकल्ट, इकोनॉमिकल रहेगा ही नहीं, इतना खर्चा बैठ जाएगा कि मींस जितना जितना आपका कंसेप्ट रहेगा सब एक ही दिन में बैठ जाएगा, ठीक है, दैट भाई पैसे ही नहीं, आप लॉस में जाइएगा। इसीलिए यहां पहला स्टेप ये रिकमेंड कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन मस्ट बी प्रोमोटेड थ्रू ओपन एक्सेस टू रिन्यूएबल पावर। इसका मतलब है जहां पे रिन्यूएबल पावर है वहीं पर हाइड्रोजन प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ओनली इन थार डेजर्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा? नहीं, डिमांड सेंटर्स में भी होना चाहिए। डिमांड सेंटर्स, डू यू एग्री? इन द डिमांड सेंटर्स जो शहरों के बगल के रीजन में भी होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ध्यान दीजिएगा, कैन बी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी टेकन टू दैट पॉइंट, यस, रादर देन ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन वी कैन ट्रांसपोर्ट पावर, यस, इट विल बी इजियर देन ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन। बस ये यही पॉइंट पहला पॉइंट पुटअप कर रहा है, इसने एग्जाम्पल दिया, फॉर इंस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग मीन्स व्हीलिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सोलार प्लांट इन कच्छ टू अ रिफाइनरी इन वडोदरा कुड लोअर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाई 60% कंपेयर टू डिलीवरिंग हाइड्रोजन यूजिंग ट्रक्स। एग्री कर रहे हैं, पाइपलाइन मैकेनिज्म आ सकता है, बट इज इट गोइंग टू टेक टाइम, टेल मी? पाइपलाइंस में अच्छा खासा इनक्यूबेशन पीरियड होता है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम, इट टेक्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, और उतना इन्वेस्टमेंट अभी तो नहीं है हमारे पास। अभी हमें जो भी आसपास रिसोर्सेज है उससे, जिससे जैसे भी हो सकता है सटीक तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। पाइपलाइन कैन कम वन डिकेड फ्रॉम नाउ बट नॉट नाउ, और ऐसी जगह पे ज्यादा वायबल ऑप्शन है, पावर कैन बी टेकन फ्रॉम कच्छ टू वडोदरा। बस ये यही कह रहा है कि रादर देन ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पावर, दैट्स इट, ठीक है। और इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट पावर टू अदर प्लेसेस एज वेल, इंटर स्टेट, एमपी में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात से आंध्र प्रदेश, गुजरात से मध्य प्रदेश, गुजरात से ओडिशा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वी नीड मैकेनिज्म्स टू एंश्योर एक्सेस टू राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर फॉर डिसेंट्रलाइज्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। डू यू एग्री? राउंड द क्लॉक, इसका मतलब है रिन्यूएबल पावर स्टोरेज बहुत जरूरी है। एग्री कर रहे हैं? कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए रिन्यूएबल पावर, ध्यान दीजिएगा, क्या ये केवल स्टूडेंट्स, जैसे समर सीजन में सोलार एनर्जी और जब विंड्स रहेंगे तभी विंड एनर्जी, तो क्या हमें राउंड द क्लॉक एक्सेस के लिए स्टोरेज करना जरूरी पड़ेगा? yeah. ताकि कभी भी हाइड्रोजन सप्लाई बंद ना हो। गेटिंग द पॉइंट? सेकेंड पॉइंट ये, तो यहां पे हम लिखते हैं पहला पॉइंट, ट्रांसपोर्टिंग पावर इज अ मोर वायबल ऑप्शन। ट्रांसपोर्टिंग पावर यानी पावर सप्लाई, ठीक है, इज अ वायबल ऑप्शन। कौन सा पावर? रिन्यूएबल पावर, मोर वायबल। सेकेंड पॉइंट, राउंड द क्लॉक पावर बाई प्रॉपर स्टोरेज, दैट्स इट, ग्रिड स्टोरेज जो भी कह लीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वी मस्ट टेक स्टेप्स टू, ठीक है, ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन इन एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, ये देखिए। और इसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स टेल मी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सप्लाई बाई ऑगमेंटिंग ग्रीन हाइड्रोजन विद कन्वेंशनली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव इकोनॉमिक्स ऑफ द फ्यूल। इसका साफ साफ मतलब है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्री में कहां कहां लगेगा, इंडस्ट्री वेयर कैन ग्रीन हाइड्रोजन बी पुट अप, ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यस, ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन, इन शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। एग्री कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर का मतलब है कि भाई इस क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इज वाया द दिस वायर सोनी, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि ट्रक से हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने से अच्छा है कि पावर सप्लाई वहां तक पहुंच जाए, सोलार एनर्जी का,
नॉर्मल पावर की बात नहीं कर रहे, ये थर्मल पावर की बात नहीं कर रहे, तो फायदा क्या हुआ? सोलार एनर्जी वाला पावर, गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट, ये देखिए लास्ट पॉइंट, ये लिखा हुआ है दैट फर्दर आरएनडी होना चाहिए। ये तो पायलट स्टेज चल रहा है, फर्दर आरएनडी होना चाहिए, और पैसे कहां से आएंगे? ठीक है, पब्लिक फंडिंग तो आएगा शुरू में, भारत सरकार करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ेगा। एग्री कर रहे हैं? यस। ये देखिए फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर फंडिंग, एंड क्या ट्रिपल पी अप्रोच बता रहा है यहां पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन दिस एरिया। यस, ये देखिए नहीं, हाइड्रो पावर प्लांट्स मत इस्तेमाल कीजिए इसमें। देखिए मैं बता दूं आपको, जो आपको फायदा होने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन से, वो सब खत्म हो जाएगा इफ यू आर गोइंग फॉर एनी अदर पावर सप्लाई, दैट्स इट। ठीक है, सो प्रॉपर फंडिंग एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर। एग्री कर रहे हैं? अभी तो सरकार आएगी भाई, लेकिन प्राइवेट फंडिंग आना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज को आना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री, इन द इंडस्ट्री अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग शुड कम अप रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस। अरे एप्लीकेशन कहां इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, ये वही बात होगी कि आप लक्ष्मीकांत लेकर आए बुक, ठीक है, डीडी बसु बुक लेकर आए, रमेश सिंह की बुक लेकर आए, ठीक है, पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है, तो चिंता की बात है। हाइड्रोजन फ्यूल बन गया, पता ही नहीं है कहां जाएगा एप्लीकेशंस। उसी के हिसाब से टेक चेंजेस इन द इंडस्ट्री, क्या इसके लिए टेक चेंजेस चाहिए, टेल मी? यस। ठीक है, गुड अतुल, वेरी गुड, पब्लिक प्राइवेट एंड इंडिविजुअल ऑल्सो, यस इंडिविजुअल ऑल्सो। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, फोर स्टेप्स टुवर्ड्स बेटर ठीक है रीच या बेटर दिस क्या कहते हैं रिजल्ट्स इन नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे इसने व्यूज पुट किए, और इसका मतलब ये नहीं कि ये चार ही मेजर्स हैं, आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स डाल सकते हैं। ठीक है, इंडिया मस्ट एड्रेस सेवरल चैलेंजेस टू एनहांस कॉमर्शियल स्केल ऑपरेशंस। कॉमर्शियल स्केल अभी रिसर्च स्केल में चल रहा है, कॉमर्शियल स्केल में लाने में टाइम है, और चैलेंजेस ओवरकम करना जरूरी है। ठीक है, एंड पांचवा स्टेप स्टूडेंट्स, एक स्टेप छूट गया है, पांचवा स्टेप ये देखिए लिखा हुआ, फाइनली इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ नेशनल सोलार मिशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ई इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर जो मशीन आपने देखा अभी, क्या ये इलेक्ट्रोलाइजर घर में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए कंट्री में? टेल मी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यस, ये मत हो जाए कि हम इंपोर्ट करना शुरू करते। आर यू गेटिंग द क्रक्स स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर शुड बिगिन, क्योंकि यही वो टेक है जिससे कि हाइड्रोजन निकलेगा, ग्रीन हाइड्रोजन। और हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हर जगह, ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, यूज करने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइजर इंपोर्ट करें, फायदा क्या हुआ यहां पे? एग्री कर रहे हैं? फोकस अपॉन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द फिफ्थ पॉइंट, फोकस अपॉन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। ये देखिए, क्लियर है स्टूडेंट्स? टेल मी, क्लियर है बच्चा लोग, बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ? फाइनली इंडिया, और इसमें परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स आ सकते हैं, ना, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये देखिए, इसीलिए स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और वो सब टेक इंडिया में डेवलप करना जरूरी है, इंडस्ट्री के हेल्प से भी। ठीक है, और इसमें अच्छी खासी लैब्स आ सकती हैं, DRDO, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर, CSIR लैब्स कैन प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन ऑल दिस। एग्री कर रहे हैं? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर, CSIR, यस, ठीक है, इन सब का साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। तो ये देखिए पांच पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट, और दोनों एडिटोरियल्स हो गए आज, आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट। ठीक है, क्लियर? एक सवाल तो यहां बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक सवाल यहां बनता है, सवाल लिख लीजिए, ब्रिंग आउट द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ब्रिंग आउट द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, लिखिए यहां पर,
ब्रिंग आउट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये देखिए सवाल इस बार एक्सपेक्टेड है साइंस एंड टेक में जीएस पेपर थ्री में, ब्रिंग आउट द मेजर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ब्रिंग आउट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, एनर्जी मिशन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दिस what strategies should India employ, ठीक है, should India employ, ये इस बार एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट्स, आज लिख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। लास्ट ईयर जब मैं अपने क्लासेस में पढ़ा रहा था, ठीक है, लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर मीन्स मैनी क्वेश्चंस ऑफ करेंट अफेयर्स, ठीक है, आई टॉट टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है, उस समय ऑफलाइन में, तो वट एवर मीन्स पॉलिटी के और साइंस टेक के क्वेश्चंस थे 2020 में आए थे एक्जैक्टली मीन्स में, तो व्हाट स्ट्रेटजी शुड इंडिया एम्प्लॉय टू मेक दिस मिशन अ सक्सेस, टू मेक दिस मिशन अ सक्सेस, ये बनता है इस बार यूपीएससी का सवाल जीएस पेपर थ्री का, ठीक है, जीएस पेपर थ्री, एंड ये 10 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा, मैं ये भी आज गारंटी दे रहा हूँ। अल्टीमेटली आपको एंड इसी पे करना है दैट जब तक मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, मल्टी स्टेक होल्डर्स, ठीक है, नॉट ओनली द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, इंडिविजुअल ऑल्सो एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, एग्री कर रहे, तब तक ये मिशन सक्सेस नहीं होगा। लास्ट में यू कैन एंड इन दिस वे, वी नीड पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल रिसर्च कोलैबोरेशन टू मेक दिस अ सक्सेस, अ बिग सक्सेस, ये देखिए, यस, एंड प्लीज लिंक दिस स्टूडेंट्स विद ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, यस, एनर्जी जस्टिस बिल्कुल लिंक कीजिएगा, ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी, क्या ये सब अचीव होगा इससे, यस, ये देखिए कार्बन न्यूट्रलिटी, यस, ये देखिए, ठीक है, एंड क्या इससे दिस पावर सप्लाई भी एनहेंस होगा, पावर सप्लाई, यस, ठीक है, बहुत बहुत फायदे होंगे, SDG, एनर्जी जस्टिस, कार्बन न्यूट्रलिटी, सब पे असर पड़ेगा इसका, लिंक कीजिएगा लास्ट में ज़रूर से, ठीक है, और मैं बता दूंगा आपको दैट मींस अगर एक भी डायग्राम पड़ जाए ना लास्ट में, देखिए यहाँ पे डायग्राम कैसे पड़ता है, ये देखिए पब्लिक, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये देखिए अलग से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का रोल, ठीक है, अगर इन सब का रोल डिफाइन कर दिया जाए, ये देखिए प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या रहेगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ द टेक, कमर्शियलाइजेशन, एग्री कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन का रोल क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये देखिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये देखिए इन द इनिशियल फेजेस, ठीक है, ठीक है, इन द इनिशियल फेजेस, इनिशियल फेजेस में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या रहेगा, फंडिंग इन द इनिशियल फेजेस, फंडिंग, एंड यस, जैसा कि रोल प्ले करता है एज अ गार्जियन, एज अ गाइड, ठीक है, इन द इनिशियल फेजेस, इनिशियल फेजेस, ठीक है, और यहां पे नेशनल ग्रीन, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, अ बिग सक्सेस, बस इतना इतना सा फ्लो चार्ट, डिफाइनिंग द रोल्स ऑफ द क्रिटिकल क्रिटिकल इनपुट्स विल डिफाइन योर रैंक इन यूपीएससी, लेट मी, ठीक है, आपका रोल यूपीएससी में डिफाइन हो जाएगा, इस आपका रैंक यूपीएससी में डिफाइन हो जाएगा इन छोटे छोटे फ्लो चार्ट से। सक्सेस का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी इंडिपेंडेंस, ये देखिए यहाँ भी देखिए लिंक कर दीजिए इसी फ्लो चार्ट में, एनर्जी जस्टिस, ये देखिए एनर्जी जस्टिस ऑल्सो, ये देखिए यहाँ पे दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट, ये देखिए, ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी, ये देखिए, एग्री कर रहे हैं बच्चा लोग, बताइए, इसको कॉपी में लिखिएगा, बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनेगा ये, ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग अंडरस्कोर सिंह, ठीक है, अभी वहीं पे चल रहे हैं और फिर एंड करेंगे सेशन। आई होप यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन, द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है,
तो यू कैन सी इट आउट हियर। आज एक और आर्टिकल आया है, डेटा एंड न्यू ग्लोबल ऑर्डर, हम लोग ये कल देखेंगे। यस, ये इंडो पैसिफिक के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहा है, विल सी इट टुमारो, डोंट वरी। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट टॉपिक डिस्कशन आज हो गया, दो एडिटोरियल डिस्कस किए गए हैं आज, और ये देखिए कुछ एक दो न्यूज़ रह गया स्टूडेंट्स। इकोनॉमी का हम लोग कल यहीं से शुरू करेंगे, ये करेंसी वॉच लिस्ट में इंडिया को रखा है यूएस ने, क्या होता है और इंडिया पे ये क्यों ये नेगेटिविटी है यूएस की तरफ से, विल सी इट। ठीक है, और ये देखिए वी सॉ दिस अर्थ डे, वी सॉ द क्लाइमेट समिट्स, वी ऑल्सो सॉ स्टूडेंट्स द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन, वी ऑल्सो सॉ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वी ऑल्सो सॉ श्रीलंका एटसेट्रा। ठीक है, तो SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अभी आप गूगल सर्च कीजिए, अभी मेरे स्लाइड में शायद है नहीं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स दैट यहाँ से सवाल निकलेगा इस बार नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के ऊपर, दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन टुडे इटसेल्फ। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है, एम यही होता है स्टूडेंट्स दैट कहीं ना कहीं सेशन से आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाए, करंट अफेयर्स से कहीं ज़्यादा। UPSC इज नॉट ओनली अ एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स, इट्स एग्जाम ऑफ थॉट्स एंड थॉट प्रोसेस इन द मेंस। ठीक है, और पर्सनैलिटी टेस्ट तो पूरा का पूरा मैटर करता है आपके थॉट्स पे, इसीलिए एम यही होता है कि थॉट्स जितना भी मैंने एक्सपीरियंस से गैदर किए हैं, गिविंग टू इंटरव्यूज इन द पर्सनैलिटी टेस्ट, ऑल्सो वर्किंग एज अ दिस क्या कहते हैं इन द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑल्सो ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें शेयर की जाए आपके साथ अच्छे तरीके से, ताकि आपके आंसर्स इन्हेंस हों और आपका जीवन भी इन्हेंस हो, यही मेरा एम होता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो दिस इज इट। सो आज शाम को फिजिकल ज्योग्राफी सॉयल शुरू करेंगे हम लोग। अब देखिए सॉयल में भी, सॉयल का टॉपिक आपको लगेगा इट्स अ फैक्चुअल टॉपिक, नो नॉट एट ऑल। सॉयल हम लोग शुरू करेंगे एग्रीकल्चर से। ठीक है, FAO से शुरू करेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विल ऑल्सो बिगिन फ्रॉम द सॉयल हेल्थ कार्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन में एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा दैट कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में कमियां दिखी और उसके बाद क्या क्या किया भारत सरकार ने, उसके बाद एंडिंग एट द सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। ठीक है, क्लियर? तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। सॉयल इज नॉट अ फैक्चुअल चैप्टर एंड अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, नॉट एट ऑल। सब कुछ थॉट प्रोसेस, सब कुछ थॉट पर डिपेंड करता है। तो इतना आज के लिए काफी है। थैंक्स लॉट स्टूडेंट्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड सिटिंग आउट हियर इन द सेशन। ठीक है, हैविंग अ वेट एंड वॉच पॉलिसी, गेटिंग द पॉइंट। तो ये देखिए, और मैं बता दूं दैट आप लोग का मल्टी डायमेंशनल माइंड हो गया, आई एम रियली वेरी हैप्पी सीइंग दिस। यस, ठीक है, you will, let me tell you, UPSC is the exam not only to give you a proper rank to gain entry into IAS, IPS, IFS or central services. ठीक है, UPSC is also about something called as the way of living a life, students. मैं बता दूँ, जीवन जीने का एक अच्छा तरीका UPSC सिखाती है, और एक enhance करने का thought process UPSC सिखाती है। UPSC का preparation हमेशा एक win-win situation रहता है, इसे कभी हार के रूप में मत लीजिए, इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और मैं बता दूं आपका जीवन सफल हो गया जिस तारीख को आपने UPSC की तैयारी शुरू की, विद डेवलपमेंट ऑफ थॉट प्रोसेस। लेट मी टेल यू, योर लाइफ इज नेवर गोइंग टू फेल, लेट मी अश्योर। दैट्स इट स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बी प्राउड टू बी इंडियन सिटीजन, एंड यस, बी प्राउड दैट Be proud that India का जो constitution है, that is the most beautifully written constitution in the whole of the world. ठीक है, yes, गर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। संविधान उसमें से एक ऐसी चीज है, संविधान एक ऐसा, it's not only a, मैं कल देख रहा था अप्रैल 2020 के आर्टिकल्स में, पढ़ रहा था योजना मैगजीन के, लास्ट ईयर अप्रैल कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा एक योजना का पूरा एक दिस क्या कहते हैं इश्यू आया था, उसमें लिखा था दिस क्या कहते हैं संविधान एक रूल बुक नहीं है केवल, वो जीवन है देश का। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद मी। ठीक है, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, टेक केयर, नमस्कार, एंड यस, वी मीट अगेन टुडे इन द इवनिंग एट 7 PM और कल
सुबह करंट अफेयर्स में वापस भेंट होती है। तब तक के लिए आंसर राइटिंग कीजिए, जज्बा बनाए रखिए, पैशन बनाए रखिए एंड यूपीएससी की तैयारी में रोज निरंतर आगे प्रगति करते जाइए। प्रोसीड है और जब जब ध्यान दीजिएगा, आप एक बार इस प्रोसेस को आप एंजॉय करना शुरू कर दीजिएगा और एक बार जब आप पीछे मुड़कर देखिए तो आपको अपने कदमों के निशान बहुत सुंदर दिखे। विद दीज वर्ड्स आई विल एंड द सेशन। दैट्स इट, टेक केयर एंड गुड डे अहेड।